पाकिस्तानी जो मर्द हैं उनकी अना का मसला बन जाता है जब उनकी बीवी थाने तक चली जाती है। सबसे जानती हैं आप मोहसिन को और साथ फातिमा सुहेल को, मोहसिन अब्बास हैं उनको फातिमा की वजह से जानती हैं। ऑफ कोर्स अच्छे चैनल पे बैठी हुई उसको दुनिया देख रही है और वो अपना करियर ठप करके स्क्रीन से नीचे हटना एंकर के लिए कितना मुश्किल होता है, अपने मीडिया करियर को छोड़ के बाहर निकलना। खैर वो घरेलू जिंदगी में मोहसिन ज्यादातर कराची लाहौर कराची लाहौर कराची लाहौर इस तरह रहते थे, पर मैं मानती हूँ आदिल ताली दो हाथ से बचती हूँ। मैं ये नहीं कह रही फातिमा 100% ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं औरत से गलतियाँ होती हैं। औरत और मर्द का ही शादी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं। यार 5 साल पहले भी तो नहीं ना वो मीडिया पे आ सकती, शायद ये वो लड़की डर जाए चली जाए, इसको लोग थोड़ा लान तान करेंगे तो ये शायद घर की तरफ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी। जैसा कि आपने देखा चंद रोज़ कबल जो है मीडिया पर सोशल मीडिया पर मोहसिन अब्बास और उनकी वाइफ का एक स्कैंडल सामने आया जिसने काफ़ी ज़्यादा मीडिया की जीनत हासिल की। वजह क्या थी, मामला शुरू कैसे हुआ, आज हम इस पर बात करेंगे। और जो प्रीवियस उनका दोनों का आपस का रिलेशन था, शादी कैसे हुई, उसके बाद दोनों की जो अपनी मैरिज लाइफ थी वो कैसे गुजरती रही, इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मारूफ एंकर हैं, प्रोग्राम पुकार करती हैं न्यू टेलीविजन पर, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं कंट्रोवर्सीज़ हैं ख़वातीन पर तशद्दुद है, इस तरह के प्रोग्राम को फोकस करती हैं अनीरा, इनसे बात करते हैं। मैडम एक तो वेलकम टू मुल्तान, कैसी हैं आप और कब से जानती हैं आप मोहसिन को और साथ फातिमा सुहेल को? बहुत शुक्रिया आदिल, आपने मुझे वेलकम किया मुल्तान में। और जहाँ तक मोहसिन और बात है फातिमा की, फातिमा चूँकि हमारी कुलीग भी रह चुकी है, हम लोग न्यू टेलीविजन जिस वक्त लॉन्च हुआ तो लॉन्चिंग की टीम में फातिमा सुहेल और दीगर एंकर्स शामिल थे और मैं उस वक्त कराची में मुकीम थी और एक निजी चैनल के साथ मैं न्यूज़ एंकर के फ्राइज सर अंजाम दे रही थी। तो ऐसा था कि उस वक्त हम लोग जब कराची में से वापस आए, लाहौर में मार्केट बन गई मीडिया की, तो वापस आते मैंने न्यू टेलीविजन ज्वाइन किया और उसको लॉन्च हुए 6 माह हो चुके हुए थे। फातिमा की उन दिनों शादी की आवाज़ हमारे कान में पड़ी कि एक एंकर है, उन्होंने नियो से रिज़ाइन कर दिया है और वैकेंसी वैकेंट है, स्पेस वैकेंट है, और मैंने नियो आके उनकी जगह पे ज्वाइन किया और उनकी शादी थी। पता चला जी शादी उनकी कोई गुलूकार हैं और अपकमिंग मॉडल हैं उनके साथ हो रही है और स्ट्रगलिंग मॉडल हैं वे। खैर फातिमा के रेफरेंस से ही हम एंकर्स को मोहसिन अब्बास के बारे में इल्म होना शुरू हुआ, चूँकि मतलब कि आप जो मोहसिन अब्बास हैं उनको फातिमा की वजह से जानती थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे पहले फातिमा मोहसिन अब्बास एक प्रोग्राम करते थे दुनिया टीवी का मजाक रहा, तो उसमें एक डीजे की हैसियत से बैठते थे, लेकिन चूंकि उस प्रोग्राम को शुरू हुए कुछ दिन हुए थे, कुछ अरसा हुआ था, अभी वो इतना ज्यादा पॉपुलर उस वक्त नहीं था, कुछ लोग मोहसिन को जानते भी थे, लेकिन हम एंकर्स खासकर इसलिए जाने लगे कि फातिमा की जो सिस्टर हैं आयशा सुहेल वो जियो टेलीविजन की बहुत पुरानी और एक मारूफ एंकर रह चुकी हैं, उनकी वजह से फातिमा को बहुत अच्छे से हम जानते थे। फातिमा के रेफरेंस से हमें पता चला कि ये मोहसिन अब्बास अच्छा 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 वो जो डीजे है अच्छा उससे शादी हो रही है, ये एक ताल्लुक बना, रेफरेंस बना। इनकी लव मैरिज थी, फातिमा किसी दौर में दुनिया टीवी रही, इंटर्नशिप की या उन्होंने वहाँ जॉब की, उस दौरान इनका पैचअप हुआ और वहाँ से फिर इनकी आगे जो कहानी थी वो चलती रही और उसके बाद इनकी शादी जो है वहाँ से हुई। शादी के बाद हमें बहुत अच्छे से याद है कि कुछ अरसे बाद फातिमा के जाने के बाद आयशा सुहेल जो कि आयशा एहतशाम है, बेस्ट एहतशाम की वाइफ, सगी बहन है फातिमा की, उन्होंने न्यू टीवी ज्वाइन कर लिया। हमें मेकअप रूम में अक्सर ऑन एंड ऑफ पता चलता रहता था कि आज फातिमा जो है वो अपने निजी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्ब है, आयशा परेशान रहती थी उसकी वजह से। इन बिटवीन फातिमा की बेटी हुई और उन दिनों भी वो काफ़ी परेशान थी कि अंडर डिप्रेशन रह के फातिमा को फैसलाबाद उसके हस्बैंड ने फैमिली में छोड़ दिया था और वो खुद लाहौर रहता मतलब था। उनका टोटल ब्रॉट अप लाहौर का है, पूरी फैमिली लाहौर सेटल्ड है, फातिमा की, लेकिन फिर वो फैसलाबाद में रह रही थी। एग्जैक्टली, और उन्होंने मीडिया भी छोड़ दिया था इस वजह से कि मैं अपने हस्बैंड के कहने पे कि मैं मीडिया, उन्होंने कहा था आप कंटिन्यू नहीं करेंगी, मैं क्योंकि छोटे शहर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उनमें नहीं है ये चीज, खवातीन पर्दा करती हैं, ये वो जो कंजर्वेटिव थे थोड़े से। फातिमा ने उनकी खातिर एक न्यूज़ एंकर जो इस वक्त एक अच्छे चैनल पे बैठी हुई उसको दुनिया देख रही है और वो अपना करियर ठप करके स्क्रीन से नीचे हटना, मतलब मैं खुद इस चीज़ को पर्सनली समझ सकती हूँ कि मैं एक एंकर, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, आपने प्रोग्राम किया बासी एंकर है, कि एंकर के लिए कितना मुश्किल होता है अपने मीडिया करियर को छोड़ के बाहर निकलना। खैर वो घरेलू ज़िंदगी में आ गई, मोहसिन ज़्यादातर कराची लाहौर कराची लाहौर कराची लाहौर इस तरह रहते थे, फातिमा ने जितना भी टाइम गुजारा वो शादीशुदा होते हुए भी मैक्सिमम टाइम हस्बैंड के बगैर गुजारा जो हम जानते हैं। उनकी बेटी पैदा हुई और 2 माह की बच्ची थी और वो किसी रीज़न की वजह से, मेडिकल रीज़न या मदर अंडर डिप्रेशन थी या जो भी हुआ, बच्ची की केयर नहीं हो सकी, बच्ची की डेथ हो गई। उस वक्त हमारे कान में एक आवाज़ पड़ती है कि फातिमा रूट के लाहौर आ चुकी है और माइट बीन की सेपरेशन हो चुकी है। हम लोगों ने सेपरेशन को समझा डिवोर्स, हम मीडिया के बहुत सारे एंकर्स को ये पता था कि अब इनका आपस में रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बाद आयशा ने भी बात करनी बंद कर दी और हमें
अब आके पता चला बीच में काफी लोगों को कि फातिमा ने अपने घर को एक दफा फिर मौका दिया था, और वो उस वक्त जब बच्ची की डेथ हुई और वो लाहौर में अकेली थी और उन्होंने बड़े मामलों को फेस किया, लेकिन फिर भी वो फैमिली से फाइट कर वो चली गई वहाँ पीछे और उन्होंने शादी को दोबारा बहाल किया, और उसके बाद दोबारा उनका बेटा हुआ और बच्चा अब उनका छोटा सा है, और ये दोबारा मामला क्रिएट हुए। अब जहां तक आ जाते हैं मोहसिन अब्बास के ऊपर, मैं मानती हूँ आदिल ताली दो हाथ से बजती है। मैं ये नहीं कह रही फातिमा 100% ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं औरत से गलतियां होती हैं, औरत टेढ़ी पसली से बनी है। औरत और मर्द का ही शादी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं, कर रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन जब ये मियां बीवी बनते हैं तो इनको माशरे के तकद्दस भी याद आ जाते हैं, फैमिली की रिवायात भी याद आ जाती है, और बीवी को भी ये चीजें याद आ जाती है कि तुम पहले ऐसे थे, तुम वैसे थे, और अब मेरे साथ वैसे नहीं रह रहे, और ये मामला बढ़ जाते हैं लव मैरिजेस में। खासकर इनके इख्तलाफात थे, लेकिन इन इख्तलाफात में अगर मोहसिन का गुजारा फातिमा के साथ नहीं था तो उसे फातिमा को सेपरेशन देने की बजाय उसको डिवोर्स दे देनी चाहिए थी, ताकि सेकंड कंसेप्शन ना हो। हमारा रिलीजन भी इसकी इजाजत देता है, और जिस तरह इतलात है कि वो सेकंड मैरिज करना चाहते थे, कोई कराची भी कोई एक्ट्रेस थी जिनके साथ उनका कोई अफेयर भी था, जो इल्जाम फातिमा ने खुद भी लगाए। अच्छा, फातिमा के इल्जाम से पहले एक सोशल मीडिया का है, वो है पेज है, मैंने उसको फेसबुक पे भी फॉलो किया, उसको मैं उसको बहुत अरसे से, 4 माह पहले मोहसिन अब्बास का ये स्कैंडल उसी खातून के साथ जो मॉडल और एक्ट्रेस है, वो वेबसाइट लिख चुकी है, और वो लिख चुकी है कि वो खातून ऑलरेडी मैरिड है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है मोहसिन अब्बास के साथ, यानी कि वो अपने हस्बैंड को भी धोखा दे रही है। अब ये सारी हाइप जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये फातिमा ने क्यों क्रिएट की, ये शायद उसने एक बार फिर मौका दिया कि शायद मेरा घर बच जाए, क्योंकि मोहसिन उसको डिवोर्स नहीं दे रहे थे और सेकंड मैरिज करने की तरफ जा रहे थे, तो फातिमा ने लोगों के सामने अपना आप इसलिए एक्सपोज किया। 5 साल पहले भी तो नहीं ना वो मीडिया पे आ सकती थी, पहली बच्ची के बाद भी आ सकती थी, 5 साल उसने ये सारी हाइप इसीलिए दी कि शायद ये वो लड़की डर जाए, चली जाए, इसको लोग थोड़ा लान तान करेंगे तो ये शायद घर की तरफ आ जाए। लेकिन सिनेरियोस बहुत मुश्किल हो जाते हैं जब चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, खासकर हमारी पाकिस्तानी जो मर्द हैं उनकी अना का मसला बन जाता है जब उनकी बीवी थाने तक चली जाती है, कचहरी तक चली। अगर उसने भागना होता फातिमा ने, या उसने मोहसिन को छोड़ना होता, या उसको उसने डैमेज करना होता, तो जब उसकी पहली बच्ची की डेथ हुई थी उसके पास सुनहरी मौका था, वो जा सकती थी। और बल्कि इतना टाइम वेट किया उसने, जिस तरह कह रहे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, उसको चांस दिया, क्या सजेस्ट क्या करेंगी जो एंकर्स हैं या जो आजकल के नौजवान हैं, क्योंकि आप अक्सर फैमिली के इश्यूज और बाकी मामला भी देखते रहते हैं, प्रोग्राम्स भी करती रहती हैं, सजेस्ट क्या करेंगी एक तो जो न्यूली जो जनरेशन है उनको, और सेकेंडली जो आपकी शोबिज़ के या मीडिया के जो लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जहाँ तक हमारी यंग जनरेशन का सवाल है, आजकल लव मैरिज की रेशियो ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि मोस्टली बच्चे या बच्चियाँ या तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जब को एजुकेशन में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो या जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओके, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने शादी कर ली है, शादी के बाद और शादी के पहले की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस है, यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। जब आपकी शादी हो जाती है उस वक्त आप एक टिपिकल वाइफ हैं हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी के मुताबिक, आपको घर की रिवायात भी फॉलो करनी है, आपको अपने हस्बैंड को बींग हस्बैंड, उस वक्त आपका दोस्त कम हो जाता है, आपका शौहर ज़्यादा बन जाता है, आपको अपने आप को 100 जगह पे कहीं ना कहीं दबाना पड़ता है और एक जगह पे आपकी कहीं मानी जाती है, ये एक ट्रुथ है हमारे माशरे का। अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इन आपकी अल्टीमेटली सेपरेशन है। और जहाँ तक मर्दों की बात है, वहाँ पर उनको भी थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है कि अब हमारी वाइफ्स वो अनपढ़ जाहिल गवार देहाती नहीं है, अब वो पढ़ लिख चुकी हैं, उनके साथ हमें 50% जहाँ उनको 50% एडजस्ट होना है वहाँ 50% आपको एडजस्ट होना है। एक और मामला भी है, अभी हमने हाल ही में देखा इमामुल हक का एक स्कैंडल जो है वो भी मीडिया की जीनत बना हुआ है, और एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है मर्द हजरात जो हैं खसूसन वो शिकवा भी करते हैं कि मिशा शाफी वो मी टू का एक स्टेटस देती हैं, वो अली जफर पर इल्ज़ाम लगाती हैं, इस तरह और भी हमने काफ़ी लोग इस तरह के देखे। अब इमामुल हक के केस में जी 7, 8, 9 जितनी भी जो गर्ल्स हैं जो उनके साथ कॉन्टैक्ट में थी वो फ्लर्ट कर रहे थे उनके साथ, किसी ने किसी उस लड़की से नहीं पूछा कि आप क्यों रबते में थी इमामुल हक के साथ, अभी आप उनकी जो है व्हाट्सअप के जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो पब्लिक कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं लड़कों में ये जो है शिकवा है, इस पर क्या कहती हैं आप? अच्छा, ये बड़ी मज़े की एक बात है आदिल, यहाँ पे आके ना दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, एक तो कहते हैं ना कि हर रोती हुई औरत भी सच्ची नहीं होती, एक परफेक्ट है। अब जहाँ पर आ जाती है इमामुल हक साहब का वो केस, वो 9 औरतें, अब उन 9 को आपस में नहीं पता था कि ये उनको डिच कर रहे हैं, ये डिसीव कर रहे हैं।
अब वो तो किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जाना या उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाना और बाद शादी तक आ जाना, वो तो सिंगल सिंगल सबका अपना अपना मैटर था ना। वो तो शिकवा इस बात पर आके कर रही हैं कि हम 9 को 9 लूप में रखा हुआ था इन्होंने, किसी एक के साथ होते तो समझ में आता, उसको छोड़ देते दूसरी के साथ चल पड़ते समझ में आता, एट अ टाइम जो 9 को रख के चल रहे थे ये उस पर उनका शिकवा है। बाकी जहां तक मैंने पहले कहा कि हर रोती हुई लड़की जो है वो सच्ची नहीं होती, हमारे माशरे में पहले अस्मा तशद्दुद केस एक सामने आया था, आपने देखा होगा, कराची का केस बल्कि रिसेंटली सामने आया, जो वालदा ने पहले जो है FIR करवाई, बाद में उस बच्ची ने खुद बताया कि मेरी वालदा ने फेक FIR करवाई। क्या नाम था उनका, वो मेरे जहन से निकल गया, वो पॉलिटिशियंस थे कोई, उनके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। अस्मा तशद्दुद केस में भी मैंने, आई एम द ओनली वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट जो पूरी तह तक जाते हैं, तो पहले इस प्रोग्राम को सबसे पहले मैंने एयर किया अस्मा के मामले में। सब ने एक तरफा वर्जन चलाया, सोशल मीडिया ने भी, ये भी कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ ये कर दिया वो कर दिया, और जब अल्टीमेटली कहानी खुली कि वो आइस का नशा इस हद तक दोनों करते थे कि वो एक दूसरे को जब तक मारते नहीं थे तब तक सुकून नहीं आता था उन्हें, तो ये नशे की हालत में उन्होंने अपने प्लेयर के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरे को मारा हुआ था। और जब अस्मा को होश आई तो उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया कि मैं इनकी गाड़ी क्यों ना 1 करोड़ की अपने नाम पर करवा लूँ, तो इस चक्कर में वो थाने भागी गई और वो पुलिस कचहरी भागी गई और मीडिया में भाग गई। दिया भी उनको, हम में कई बहुत सारे अच्छे सहाफी भी हैं और कई बहुत सारे ऐसे सहाफी भी हैं जो मशवरा दे देते हैं। पीछे जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रही थी कंदील बलोच के केस को, तो उसको भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने उलझाया हुआ था लोकल लेवल पे भी, आप समझते हैं खुद इस चीज को। डिफरेंट तरह की बातें थी, क्या सराहियां थी, बल्कि जब तक के कंदील का मालूम नहीं पड़ा कि वो मुल्तान से है, उसकी हिस्ट्री नहीं आई थी, तो उसके लिए उतने मसाइल नहीं थे। जब यहाँ लोकल जो जर्नलिस्ट ने न्यूज़पेपर में बाकी मामला तो उसको पब्लिश किया, उसके बाद उसके इलाके में जो उसको प्रेशर आया, जिसके बाद उसके भाई ने इंतहाई इकदाम उठाया, ये कंदील वाला तो बड़ा मतलब सिंपल सही मैटर है। अच्छा, जिस तरह फातिमा ने इतना टाइम वेट किया, अभी हुमायमा मलिक हैं काफ़ी फेमस जो है अदाकारा है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं 2010 से 2012 तक शमू नवासी के साथ उनकी मतलब मैरिज हुई, तो वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है हैरेस करते रहे, तशद्दुद करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। ये ऐसा ही क्यों होता है कि कई साल बाद इस तरह के राज क्यों अफशा किए जाते हैं, जब आप पर तशद्दुद हो रहा है आप उसको उसी टाइम क्यों नहीं रोकते? आदिल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है, हमारा जो लॉज है 1973 के मुताबिक, हमारी ख्वातीन को उसमें इतने हकूक दिए गए हैं कि अगर उन्हें पता हो तो तमाम मर्द नाक की सीट पे चलें। लेकिन हमारा फिर अल्टीमेटली वही सवाल है कि लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो वीक है हमारी, कहीं ना कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब आ जाते हैं 2 साल बाद या 3 साल बाद ये बात क्यों खुलती है। हमारी ख्वातीन, खासकर बेटी जब घर में पैदा होती है तो उसके दिमाग में बचपन से एक चीज़ इंजेक्ट की जाती है कि तुम्हारा जिस घर में तुमने शादी करनी है कम से कम 2 साल तुमने सब्र करना है, 2 साल तुमने सब्र करके मारे खा के ये देखना है, तुमने ये कोशिश करनी है शायद वो बंदा बदल जाए, शायद वो बंदा तुम्हारे मुताबिक ढल जाए, शायद ऐसा हो जाए। अब 2 साल जब वो बेचारी मार खा के 3रे साल उसको समझती है यार मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, मतलब घर बसाने के साथ साथ उसकी तब्दीली की जिम्मेदारी भी बेटी को देकर भेजा जाता है। एक तो ये गलत है, दूसरी ये चीज कि हमारी ख्वातीन जो बोल्ड हैं, जो बाहर निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, मीडिया में हैं, शोबिज इंडस्ट्री में हैं, लॉयर हैं, बहुत सारे लॉयर्स के अपने घरों में बहुत मामला होते हैं। आपको जब एक दफा लॉ का पता है और आपको इस्लाम ने भी इजाजत दी है कि एक शख्स जब आप पर तशद्दुद करता है, आपका गुजारा उसके साथ नहीं हो पा रहा, आप 15 दिन, महीना, 1.5 माह, 2 माह में देख चुके हैं, औरत के पास रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का खुला का इख्तियार है, औरत क्या सोसाइटी प्रेशर की वजह से अपनी जिंदगी और अपने आने वाले बच्चों की जिंदगी तबाह कर देती है? ये औरत को भी समझना चाहिए। नहीं बिल्कुल, रिलीजन जो है वो भी बिल्कुल इसकी इजाजत देता है। और अभी जो इवन जो मोहसिन और जो फातिमा सुहेल का मसला है, उसमें भी बेहतरीन हल ये है कि सेपरेशन जो है वो हो सकती है, मजहब भी इजाजत देता है, सोसाइटी भी इजाजत देती है, इंडिपेंडेंट होकर जो है गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान आई हुई थी, हमने आपकी आमद को गनीमत जाना और ये जो सीरियस इशू से इसको हमने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।